जिंदा व्यक्ति को मरा हुआ बताकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर 11 लाख रुपए इंश्योरेंस राशि प्राप्त कर इंश्योरेंस कंपनी के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया, जिसे पुलिस ने दो डॉक्टर सहित एक इंश्योरेंस एजेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पद का दुरुपयोग कर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले फरियादी अमित सुखवाल ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई कि उनका किसी ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम कर 11 लाख रुपए निकाल लिए, और जहां पर अमित को यह बात तब पता चली तो इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंचे और पूरी जानकारी बताई, जहां इंश्योरेंस कंपनी और फरियादी अमित की तरफ से पुलिस में धारा 420 और अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले डॉक्टर राकेश जैन और डॉक्टर अविनाश सहित बीमा एजेंट अंकित जैन को गिरफ्तार किया गया, जिसके साथ ही में आरोपियों ने जीवित व्यक्ति का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर इंश्योरेंस कंपनी को 11 लाख का चूना लगाया था। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में और किस किस की भूमिका है और आरोपियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से यह प्लान को अंजाम दिया था, इस बारे में भी बात की जा रही है। हमारे यहाँ विजयनगर थाने में 2019 में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें कूटरचित दस्तावेज 420 67 68 71 की धाराओं का प्रकरण था, जिसमें एक फरियादी अमित सुखवाल थे, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया था अंकित जैन, डॉक्टर राकेश जैन, डॉक्टर अविनाश और राजू शाह के द्वारा। उनके द्वारा इसका मृत्यु प्रमाण पत्र जो बनाया था उससे 6 माह पूर्व इसका बीमा कराया गया था मृत्यु प्रमाण पत्र के पूर्व में, और इसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करके उसका बीमा की राशि 11 लाख रुपए उनके द्वारा निकाल ली गई थी। बाद में जब उसको अमित को ये बात पता चली तो उसके द्वारा मतलब उस अगले साल के कैलेंडर सहित अपना फ़ोटो खिंचा के और यहाँ आया था, और फिर उसके बाद उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी लगातार 3 साल से फरार चल रहे थे, जिनको हमारे द्वारा अंकित जैन को, डॉक्टर राकेश को और डॉक्टर अविनाश को कल गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को आज हम रिमांड पर भेजेंगे, इनका हम लोग पुलिस रिमांड भी ले रहे हैं, और कुल मिला के उनने 11 लाख रुपए का फर्जी बीमा निकाल लिया और कूटरचित दस्तावेज उनके द्वारा तैयार किए गए थे और व्यक्ति की मृत्यु बता दी गई डॉक्टर के लोगों से मिलके। उस जीवित व्यक्ति जो अमित सुखवाल था उसको उनके द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी बनाया गया था, जबकि वो व्यक्ति जिंदा था। उसके द्वारा जब ये पता चला, उस पर जब वो लोग पहुँचे बीमा वाले वेरीफाई करने, तब उसको पता चला कि उसकी बीमा की राशि 11 लाख रुपए निकाल ली है। उसके द्वारा थाने पे आके प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था, जिसमें हमारे द्वारा कल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी राजू साहब, उसकी मृत्यु हो गई। ये अंकित जैन तो यही बीमा वगैरह का काम करता है, डॉक्टर राकेश और डॉक्टर अविनाश डॉक्टरी करते हैं, इन लोगों ने उनका मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी बनाया।